एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके सारी चीजें खुलती जा रही हैं और इसी कड़ी में सरकार ने तय किया है कि करीब 6 महीने से बंद पड़े स्कूलों को भी अब 21 सितंबर से खोल दिया जाएगा। सरकारी फरमान ये है कि कक्षा 8 तक के स्कूल अब भी बंद रहेंगे और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अब खुल जाएंगे। तो इन स्कूलों को खोलने के लिए क्या है सरकार की गाइडलाइंस, किन किन राज्यों में खुलेंगे ये स्कूल और बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स के अलावा स्कूलों को और उनके टीचरों को किन बातों का रखना होगा ध्यान। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अभी 8वीं तक के स्कूल बंद ही रहेंगे। जब तक सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी नहीं होती है, उनकी पढ़ाई पहले ही की तरह ऑनलाइन चलती रहेगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तों को ध्यान में रखना होगा। सोच रहे होंगे कि किन राज्यों में स्कूल खुलेंगे और किन राज्यों में फिलहाल नहीं, तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी के स्कूल फिलहाल सितंबर के आखिर तक बंद रहेंगे। केरल में स्कूल अक्टूबर के आखिर तक बंद रहेंगे। दिल्ली में भी 5 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड ने स्कूल 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। गुजरात में भी स्कूल सितंबर के आखिर तक बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा में स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन स्कूल खुलने से पहले टीचर्स का कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। असम और जम्मू कश्मीर में भी स्कूल 21 सितंबर से ही खुलेंगे, जिसको लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बाकी राज्यों की तरफ से अभी स्कूल पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वैसे एक और जहां कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकारों को स्कूल खोलने की इतनी हड़बड़ी क्यों है समझ में नहीं आता। ना तो पेरेंट्स से आते हैं कि उनके बच्चे अभी ऐसी स्थिति में स्कूल जाएं, जब हर दिन देश में कोरोना के करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं, और न ही टीचर चाहते हैं कि वो बच्चों को स्कूल में लेकर आएं, क्योंकि तब पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान कोरोना से खुद का और बच्चों का बचाव करने पर होगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या स्कूल खुलने चाहिए या फिर हमें और सरकारों को कुछ और दिन का इंतज़ार करना चाहिए, तब तक कि जब तक कोरोना काबू में नहीं हो जाता? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख